मैं हूं किशोर रजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दिल्ली के करीब नोएडा में डीएम की फर्जी चिट्ठी वायरल करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके साथियों ने डीएम के घर के बाहर धरना दिया। 12वीं में पढ़ने वाले दो छात्रों ने सर्दियों की छुट्टी से जुड़ी डीएम की एक चिट्ठी को एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसकी जानकारी मिलने पर गौतम बुद्ध नगर के डीएम बृजेश नारायण सिंह भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं था, जिसके बाद उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दे दिए। ऐसे कोई आदेश नहीं निकाले थे, मुझे तत्काल पता चला कि मेरे पुराने आदेश में तारीख बदल करके इसको सर्कुलेट कर दिया गया है। मामले की जांच होने पर पता चला कि 12वीं के दो छात्रों ने एडिटिंग कर ये फर्जी चिट्ठी तैयार की थी, जिसके बाद दोनों छात्रों को पकड़ लिया गया। लेकिन आरोपी छात्रों के साथियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा सख्त बताया और धरना देने के लिए डीएम के घर पर पहुंच गए। छात्रों ने अपने साथियों की गलती के लिए कान पकड़कर माफी मांगी और उनको छोड़ देने की अपील की। बेटा ये सब चीजें हम बाद में स्कूल में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आपसे। छात्र काफी देर तक डीएम से मिलने के इंतजार में वहीं बैठे रहे, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी डीएम ने उनसे मुलाकात नहीं की, जिसके बाद छात्र भी भड़क गए और उन्होंने पूरे मामले में प्रशासन पर जरूरत से ज्यादा सख्ती बरतने का आरोप लगाया। छोड़े जाने पर परीक्षाओं की बहिष्कार की धमकी दी। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, 26 तारीख को अगर वो हमारे साथ पेपर में नहीं बैठे तो 12th क्लास को कोई भी बच्चा पेपर नहीं देगा, ये मैं नहीं हर कोई बोल रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्रों को 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने 23 और 24 जनवरी के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का फर्जी आदेश तैयार करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मैं इन्होंने डीएम साहब के ऑर्डर को मैनिपुलेट किया, फोर्ज किया उसे, और उसमें 23-24 तारीख की छुट्टी स्कूल्स में घोषित करने संबंधी आदेश, फर्जी आदेश एक निर्गत कर दिया। हालांकि बाद में आरोपी छात्रों के नाबालिग होने की वजह से उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक ट्रक पर लाद कर लाया जा रहा एयर इंडिया का एक पुराना विमान फ्लाईओवर के नीचे फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। ट्रक का ड्राइवर घने कोहरे की वजह से फ्लाईओवर की ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा सका और विमान वहां से गुजरने की कोशिश में अटक गया। बीच सड़क पर विमान को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोग इस घटना का वीडियो भी बनाने लगे। जानकारी मिलते ही प्रशासन की एक टीम ने वहां पहुंचकर विमान को निकालने का काम शुरू किया, लेकिन ट्रक के ऊपर लदा विमान फ्लाईओवर के नीचे इस तरह फंसा था कि उसका वहां से हिलना भी मुश्किल था। जब कोई कोशिश काम नहीं आई तो ट्रक के पहिए निकाल दिए गए ताकि विमान थोड़ा नीचे आ सके। ये विमान जिस ट्रक पर लदा था उसे भी एक रस्सी की मदद से दूसरे ट्रक से बांध दिया गया और फिर उसे धीरे धीरे फ्लाईओवर से निकाला जाने लगा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी काफी मदद की और कुछ ही पलों में विमान फ्लाईओवर से बाहर निकल आया। विमान को सुरक्षित फ्लाईओवर से निकालने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन हाईवे का कामकाज संभालने वाली NHAI से जुड़े एक अधिकारी ने विमान को वहां से गुजारने से पहले किसी तरह की मंजूरी नहीं लेने पर नाराजगी जताई। रोड सर्वे करे स्ट्रक्चरल क्लियर हाइट गुलो मेजर करे जे कंसाइनमेंट जाबे की तरह। তো এই ক্ষেত্রে রাত্রি 3টার সময় কোনো আমাদের কাছে মেসেজও নেই, পুলিশের কাছে কোনো মেসেজ আছে কিনা আমি জানি না। गोरखपुर में पुलिस ने दंगे जैसे हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर कुछ दिन पहले हुए बवाल के समय पुलिस हंगामा कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले तक नहीं दाग पाई थी और पुलिस के सामने ऐसी नौबत दोबारा ना आए, इसलिए एक मॉक ड्रिल के जरिए जवानों को दंगे जैसे हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। मॉक ड्रिल के लिए हंगामे का नकली माहौल तैयार किया गया, जिसके जरिए पुलिस वालों ने उपद्रव कर रही भीड़। अटल स्मृति स्थल से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं। आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती है। 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था और इस मौके पर उनको याद करा जा रहा है। अब से कुछ देर में अटल स्मृति स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे और बीजेपी उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं और अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि जननायक थे, भारत रत्न, एक संवेदनशील कवि और दूरदर्शी राजनेता, आप इधर आडवाणी को भी देख सकते हैं जो कि पहुंचे हैं और उनका अटल बिहारी वाजपेयी से गहरा रिश्ता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने बीजेपी को आज एक नई पहचान उस वक्त दिलाई थी और आज जो बीजेपी देश में शासन कर रही है तो अटल बिहारी वाजपेयी को उसका श्रेय जाता है। आज उनकी 95वीं जयंती है। इस मौके पर सुशासन दिवस के तौर पर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो लखनऊ जाएंगे, जहां पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी को आप देख सकते हैं जो कि उनके स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित करेंगे। विजय गोयल भी यहां पर मौजूद हैं और
अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 1999 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी, बीजेपी को बीजेपी बनाया, एक अलग पहचान दिलाई। अमित शाह को आप देख सकते हैं जो कि इस वक्त मौजूद है कुछ बातचीत करते हुए। और अमित शाह ने भी कहा था जब पिछले साल अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ था कि उनकी कमी को कभी भरा नहीं जा सकता है। राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में दूसरे दिन भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे वो भड़क गए। राज्यपाल धनखड़ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही छात्रों ने उनकी कार को घेर कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने हाथों में काले झंडे ले रखे थे, जबकि कुछ छात्रों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिन पर NRC और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में नारे लिखे हुए थे। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों के विरोध प्रदर्शन की वजह से राज्यपाल जगदीप धनखड़ को काफी देर तक अपनी कार में ही बैठना पड़ा, जिसकी वजह से वो भड़क गए। I am shocked and surprised that university administration is absolutely doing nothing at all. They must have control on their employees. They can visit employees with actions. वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने उनके हाथ से डिग्री तक लेने से इनकार कर दिया और उन पर राज्यपाल रहते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया। Used the chair of the governor to tweet in favor of CAA, which is we feel as students of Jadavpur University is an unconstitutional act. बहादुर के नाम से जाने जाने वाले भारतीय वायुसेना के खतरनाक लड़ाकू विमान MiG-27 जल्द ही इतिहास बनने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 7 MiG-27 लड़ाकू विमानों की ये अंतिम स्क्वाड्रन इसी 27 दिसंबर को जोधपुर एयरबेस से अपनी आखिरी उड़ान भरेगी। इस उड़ान के बाद इन सभी लड़ाकू विमानों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया जाएगा, जिसके बाद ये विमान फिर कभी आसमान में नजर नहीं आएंगे। और इसी के साथ ये शानदार फाइटर जेट न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक इतिहास बन जाएंगे, क्योंकि अब कोई भी देश इन विमानों का इस्तेमाल नहीं करता है। इस खास मौके के लिए जोधपुर एयरबेस में एक समारोह भी रखा जाएगा, जहां आखिरी उड़ान के बाद इन विमानों को सलामी दी जाएगी। रूस में बने MiG-27 लड़ाकू विमानों ने करगिल युद्ध में भी भारतीय वायुसेना के लिए अहम भूमिका निभाई थी और इन्हें 1981 में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया गया था, जो 38 साल तक सेवाएं देने के बाद रिटायर हो जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान में काराकोरम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन छात्रों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने उनको उच्च शिक्षा से रोकने के लिए सभी कोर्स की फीस 50% बढ़ा दी, जिसके विरोध में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ये छात्र बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए और रैली निकाली। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान रैली में आगे चल रहे छात्रों ने हाथों में एक बैनर पकड़ा हुआ था, जिसके जरिए यूनिवर्सिटी प्रशासन और पाकिस्तान सरकार का विरोध किया गया। इनमें बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी की छात्राएं भी शामिल रहीं, जिन्होंने प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही नहीं, कुछ छात्राएं बीच रास्ते में धरने पर बैठ गईं और उन्होंने हाथों में पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पाकिस्तान सरकार से फीस कम करने की अपील भी की। यहाँ भी हम फीसें बढ़ा के हमारी रिसोर्सेज हमसे छीनी जा रही है, ठीक है, हमें पढ़ने नहीं दे रहे, तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि प्लीज हमें पढ़ने दे और फीसें कम करें। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 101 फीट का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री बनाया गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 101 फीट का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री बनाया गया है, जिसे 8 लाख पाइप और 80,000 LED बल्ब से सजाया गया है। यूपी के चित्रकूट में बारिश के बाद ठंड बढ़ने से 12वीं तक के सभी स्कूलों को 27 दिसंबर तक के लिए बंद किया गया है। यूपी के अलीगढ़ में धारा 144 लागू होने के बावजूद कई संगठन नागरिकता कानून का समर्थन करते हुए इकट्ठा हुए और हनुमान आरती की, जिनके खिलाफ बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। MP के बैतूल में जल संसाधन विभाग ने रानीपुर डैम को 3 फीट की बजाय 8 फीट तक खोल दिया, जिससे डैम टूट गया, जिसके बाद डैम का पानी खेतों में जाने से आसपास के लोग बेहद डरे हुए हैं। झारखंड के चतरा में नक्सलियों ने दहशत फैलाने के इरादे से करोड़ों रुपए की 3 गाड़ियों को आग लगा दी। बिहार के भोजपुर में रेलवे क्रॉसिंग के पास घात लगाकर बैठे 2 अपराधियों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने नकली नोट गैंग के 5 तस्करों को करीब 1 लाख की नकदी और हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। हांगकांग में वीगर मुसलमानों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान लोगों की पुलिस से तीखी झड़प हो गई। इस प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने एक सरकारी इमारत से चीन का झंडा उतारकर उसे जलाने की कोशिश की।
जिसे देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले भड़क गए और प्रदर्शनकारियों पर टूट पड़े। पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को पकड़कर जमीन पर लिटाया, तभी पीछे से एक आदमी ने एक पुलिस वाले को जोरदार लात मार दी। इससे पहले कि वो संभल पाता, दूसरे पुलिस वाले पर कुछ लोगों ने ट्राइपॉड से हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस वालों का गुस्सा ज्यादा भड़क गया। उन्होंने लाठियां बरसाते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों को पकड़ा और बाकी लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी। पुलिस वालों के पास मिर्च वाले स्प्रे भी थे, जिनसे डरकर लोग उनके करीब तो नहीं गए, लेकिन दूर से ही खाली बोतलें फेंककर पुलिस वालों पर हमला करते रहे। इस बीच एक पुलिस वाला चीन का झंडा लेकर वहां से जाने लगा, तो लोगों ने पीछे से उस पर भी हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश में पुलिस के पसीने छूट गए। इससे पहले वीगर मुसलमानों के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन शांत तरीके से चल रहा था। प्रदर्शनकारियों ने चीन के वीगर मुसलमानों की हालत की तुलना खुद से करते हुए लोगों को सचेत रहने की सलाह दी। चीन के दखल के खिलाफ हांगकांग में बीते 7 महीने से प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों में वहाँ के हजारों छात्र भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शनों के जरिए वहाँ की पुलिस की नींद उड़ा रखी है। पुलिस के सामने दूसरी चुनौती तब खड़ी हुई जब वीगर मुसलमानों का समर्थन कर रहे कई प्रदर्शनकारी हांगकांग के एक मॉल में घुस गए और आजादी की मांग पर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे। इन प्रदर्शनकारियों ने चीन के दखल के विरोध में एक झंडा लिया हुआ था, जिसे दिखाकर उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। क्रिसमस के मौके पर मॉल में काफी भीड़ थी और लोगों का प्रदर्शन भी शांत तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर में भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और प्रदर्शनकारियों से उलझ गई। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस से बहस की, लेकिन हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा। बिहार के गया में एक बच्चे की हत्या के 2 महीने के बाद आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया गया कि आरोपी ने डांस देख रहे 12 साल के एक बच्चे से मामूली बात पर नाराज होकर उसे गोली मार दी थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। सामने आए वीडियो में आरोपी हाथ में हथियार लेकर स्टेज पर डांस करता दिखा। जबकि उसके दूसरे साथी वह नाच रही डांसर पर पैसों की बारिश करते नजर आए। आरोपी काफी देर तक खुलेआम हथियार लहराते हुए डांस करता रहा। इस बीच उसकी वहां मौजूद कुछ दूसरे लोगों से मारपीट भी हुई। बताया गया कि इसी बीच आरोपी ने वहां खड़े 12 साल के एक बच्चे से अपने लिए पानी लाने को कहा, लेकिन उसके मना करने पर उसने बच्चे पर गोली चला दी। हालांकि घटना के करीब 2 महीने बीतने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई। मारे गए बच्चे के घरवाले इंसाफ के लिए अधिकारियों के चक्कर काटते नजर आए। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पड़ रही कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सर्दी का असर गुलमर्ग में भी दिखा, जहां तापमान -10 डिग्री पहुंच गया और पहाड़ों से गिरने वाले कई झरने और नाले जम गए। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। यही नहीं, एक नदी के ऊपर से जा रही पाइपलाइन भी फट गई और उससे नीचे गिरने वाला पानी भी बर्फ में तब्दील हो गया। काफी जगहों पे बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं। ये ब्रिज के ऊपर एक पाइप जो है पंक्चर हुई है, रप्चर हुई है, और उसके बाद जो पानी बहता है आप देख सकते हैं किस तरह के नजारे, किस तरह के आइसिकल्स बने हुए हैं यहाँ पे। और हर तरफ से आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ फ्लो थोड़ा सा कम है पानी का, वहाँ पे पानी जमना शुरू हो गया। तापमान के माइनस में जाने की वजह से पहाड़ और पेड़ भी बर्फ से ढक गए। सड़क पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और अटल स्मृति स्थल से सीधी तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती है। 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था और इस खास मौके को बीजेपी सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त अटल स्मृति स्थल पर मौजूद हैं और कहा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले साल अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ था और उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो खाली जगह हुई है अटल बिहारी वाजपेयी के जाने से, उसको भरा नहीं जा सकता है। आज उनकी जयंती है, इस मौके पर हर कोई उनको याद कर रहा है और अब से कुछ देर में नरेंद्र मोदी पुष्प अर्पित करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और बीजेपी के नेता, इससे पहले हमने लालकृष्ण आडवाणी को देखा था, जिन्होंने साथ साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, और राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि दोपहर बाद लखनऊ पहुंचेंगे और वो
अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। ये अटल स्मृति स्थल है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बनाया गया है और अब उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत रत्न एक संवेदनशील कवि थे, एक ओजस्वी वक्ता के तौर पर उनको जाना जाता है। उनके जो विरोधी थे, चाहने वाले थे, ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जिनको समान तौर पर हर कोई पसंद करता है। और ये देखिए लिखा भी गया है उनकी याद में कि आदमी की पहचान उसके धन या धन से नहीं होती है और कार्यों से होती है। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्य किए और राजनीतिक गुरु मानते थे नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को। ठंड भी है दिल्ली में, पारा काफ़ी नीचे पहुंच गया है, ज़बरदस्त ठंड है, सुबह का वक्त है और यहां पर नरेंद्र मोदी अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं कुछ बातचीत करते हुए, कुछ चर्चा करते हुए इस वक्त वो नज़र आ रहे हैं अटल स्मृति स्थल जहां पर उनका इंतज़ार हो रहा था। और इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी को हमने देखा, राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता इस वक्त मौजूद हैं। उनकी याद में अटल स्मृति स्थल पर, अटल स्मारक पर अब पुष्प अर्पित किए जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। सुशासन दिवस के तौर पर अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम होंगे जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम किए हैं, क्योंकि लंबे समय तक देश में कांग्रेस का शासन रहा है। 1999 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई और एक तरह से कहा जाएगा कि गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेकर चले, उन्हीं की यही खूबी थी। और इस खूबी को आगे बढ़ाते हुए जो बीजेपी आज बीजेपी बनी है, देश में शासन कर रही है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और आज उनकी 95वीं जयंती है, इस खास मौके को और खास बनाने के लिए सुशासन दिवस इसको नाम दिया गया है, उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए। और इस मौके पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं क्योंकि उनका कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त रहता है, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं भूलते हैं। देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी नरेंद्र मोदी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब पिछले साल 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ था, उस वक्त नरेंद्र मोदी रोए थे और उन्होंने कहा था कि उनकी कमी को भरा नहीं जा सकता है। बीजेपी के नेता, दिल्ली बीजेपी के नेता इस वक्त मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, आम लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के चाहने वाले हैं। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं है, लेकिन यादों में हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब अटल स्मृति स्थल पर पहुंचे थे, एक जननायक, ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जिनके जाने के बाद भी उनको पूरा देश याद करता है। अटल स्मारक स्थल पर नरेंद्र मोदी जो पहुंचे थे, अमित शाह को आप देख सकते हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा है दिल्ली में क्योंकि ठंड ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है और इस कड़कड़ाती ठंड के बीच शॉल ओढ़े अमित शाह को आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी सबने मफलर बांधे हैं, जितने भी उनके सहयोगी हैं वो पहुंचे हैं। और यहां पर आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद को आप देख सकते हैं, तो वो याद कर रहे हैं। कुछ कार्यक्रम यहाँ पर होंगे और बीजेपी की कोशिश यही रहती है क्योंकि 25 दिसंबर है आज, क्रिसमस का भी खास मौका है और क्रिसमस के मौके पर ही अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 1924 25 दिसंबर के दिन। आज उनकी 95वीं जयंती है, भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बीजेपी उनकी यादों को, उनके कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का काम करती है और सुशासन दिवस के तौर पर उनके जो काम हैं, उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आज के दौर में ऐसे कीर्तिमान को स्थापित करना किसी भी राजनेता के लिए बेहद मुश्किल है। और जो अटल बिहारी वाजपेयी ने विरासत छोड़ी, उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जब वो सदैव अटल स्थल पहुंचे थे, दो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं अटल स्मृति स्थल की तस्वीरें। एक तरफ नरेंद्र मोदी अपने टीम के साथ कुछ बातचीत करते हुए, बगल में उनके अमित शाह एक तरफ और एक तरफ राजनाथ सिंह, और दूसरी तरफ आप देखिए ये जो उनका स्मारक है, फूलों से उनके स्मारक को सजाया गया है और आसपास एक पूरी टीम उनकी मौजूद है। हमने पिछले साल भी देखा था कि यही कोशिश थी, क्योंकि जो देखा ये गया था कि इस साल जब बीजेपी दोबारा सत्ता में आई थी तो जो देश के कोने से चुन चुन कर सांसद आए थे, पूरी टीम को साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल स्मृति स्थल गए थे जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया था, क्योंकि राजनीतिक गुरु थे नरेंद्र मोदी के अटल बिहारी वाजपेयी। और इसी साल हमने देखी थी वो तस्वीरें जब पूरे नए सांसद खासकर और जो पूरी टीम थी, देश के कोने कोने से चुनकर आए सांसद अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने पहुंचे थे। और आज उनकी जयंती है, 95वीं जयंती उनकी है, इस मौके पर वो पहुंचे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं। आज दोपहर बाद नरेंद्र मोदी जाएंगे लखनऊ जहां पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा।
तो अटल स्मारक पर आडवाणी भी मौजूद हैं। और अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ओजस्वी वक्ता जननायक ऐसे बहुत कम राजनेता होते हैं जिनको उनके विरोधी और चाहने वाले दोनों समान तौर पर पसंद करें। गठबंधन सरकार को साथ लेकर उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, मतलब कहा जा सकता है कि प्रतिभा थी उनके अंदर कि तमाम राजनीतिक विचारों वाले दलों को साथ लेकर चलना और गठबंधन की परंपरा को उन्होंने 1999 में आगे बढ़ाया। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी पिछले सालों का देहांत हुआ था, सक्रिय राजनीति में नहीं थे, बहुत कम वो देखे जाते थे, तबीयत उनकी काफ़ी समय से नासाज थी और उनका पिछले साल देहांत हुआ था। उसके बाद भी बीजेपी ऐसा कोई मौका, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि तस्वीरों में नजर आ रहे हैं उनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी मौका नहीं होता। ये आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर पहुँचे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि अमित शाह से हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने हाथ मिलाया, राजनाथ सिंह से हाथ मिलाया और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे स्मारक की तरफ बढ़ते हुए आप जेपी नड्डा को भी साथ में देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम लोग अब अटल स्मृति स्थल की तरफ, स्मारक की तरफ आगे बढ़ते हुए जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक में पुष्प अर्पित किए जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो यहां पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ही इंतजार हो रहा था और अब वो यहां पर पहुंचे हैं, उनका सुरक्षा दस्ता भी साथ में है। और कड़कड़ाती ठंड के बीच सुबह 8:30 बज चुके हैं, 8:38 हो रहे हैं और इस बीच अटल स्मृति स्थल पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, दिल्ली बीजेपी के नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृहमंत्री पहुंचे हैं। आदमी की पहचान उसके धन या काम से होती है, अब देखिए धन से नहीं होती है। ये जो मैसेज यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि यही खासियत है अटल स्मृति स्थल की, क्योंकि काफ़ी कविताओं के जरिए, और यही अटल बिहारी वाजपेयी की खासियत भी थी कि गंभीर से गंभीर विषयों को वो चुटीले अंदाज में कहते थे, ये उनकी खासियत थी। और जो भी उनके विचार थे, जो उनकी कविताएं थी, उसको यहाँ पर संजोने की कोशिश की गई है, क्योंकि स्थल पर आप कुछ लिखा हुआ देख पा रहे थे और जो लोग अटल स्मृति स्थल पर पहुँचते हैं वो उनके विचारों को पढ़ भी पाते हैं। रामनाथ कोविंद कुछ चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, ठंड में शॉल ओढ़े आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड है और इस कड़कड़ाती ठंड में अटल स्मृति स्थल पर पहुँचे हैं मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके साथ राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी आगे बढ़ते हुए। और यहां पर आप देखिए कि फूलों से यहां पर उनके स्मारक को सजाया गया है और शॉल ओढ़े राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठंड काफी ज्यादा है, इस बीच अटल स्मृति स्थल पर पहुंचे हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती है, पुष्प अर्पित कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनकी स्मारक पर। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, हमने कई मौकों पर देखा है कि नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को याद करना नहीं भूलते हैं, आज उनकी 95वीं जयंती है और यहाँ पर एकत्रित किया गया है इस स्थल पर, और यहाँ पर जब भी का अवसर होता है तब पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, सरकार के तमाम बड़े नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं और श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को किस तरीके से एक एक बीजेपी का नेता और सरकार की नीतियों में कैसे वो परिलक्षित हो, इस पर लगातार जाहिर करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, दिखाया गया है। और बिल्कुल, तो अमित हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, अटल स्मृति स्थल से हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार के बाद अर्धसैनिक बलों की 72 कंपनियों को वहां से हटाने का आदेश जारी किया गया है। इनमें सीआरपीएफ की 24, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ और सीआईएसएफ की 12 कंपनियां शामिल हैं। एक कंपनी में 100 जवान होते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद इन्हें घाटी में भेजा गया था। यूपी के मेरठ जाने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया। ये दोनों नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलने जा रहे थे, लेकिन मेरठ पहुंचने से पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनके काफिले को रोक दिया और इलाके में धारा 144 के लागू होने का हवाला देकर उन्हें आगे नहीं जाने की सलाह दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में पहुंचने वाले थे, लेकिन यहां से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर
प्रतापपुर के क्षेत्र में इन दोनों को रोक दिया गया, इनकी गाड़ी को रोक दिया गया। पुलिस से बातचीत के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली लौट गए। राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस ने उन्हें कोई आदेश दिखाए बिना वापस जाने को कहा। हमने पुलिस वालों से हाथ बाहर कर लिया, आपके पास कर लीजिए, आपके पास कोई ऑर्डर, हम सुन नहीं पाएंगे आप बोलेंगे तो, आपके पास कोई ऑर्डर है, हाथ बाहर। उन्होंने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया मगर उन्होंने कहा कि आप प्लीज। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इलाके के हालात जानने के बाद खुद ही लौटने का फैसला कर लिया। अगर आप लोग जा रहे हैं तो इस चीज़ को सुनिश्चित करवा लें कि वहाँ किसी प्रकार का अनावश्यक भीड़ भाड़ या विवाद की स्थिति न पैदा हो, ये उनको बता दिया गया। उसके बाद उन्होंने स्थिति को समझी और वो वापस लौट गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मेरठ जाने से रोकने पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने यूपी पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए राज्य सरकार पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। कौन सी सच्चाई ना पता लगे, ना आपके बीच में आए, किस चीज को वो छिपाना चाहते हैं, किस चीज को रोकना चाहते हैं, ये तो वो जाने। कांग्रेस के आरोपों पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया और उस पर नागरिकता संशोधन कानून पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा दिया। सुर्खियों में बनना है क्योंकि जब वो तोड़ेंगे तो सुर्खी में आएंगे, प्रशासन रोकेगा, टीवी पे आने का शौक है, तो ये सब जो चीजें हैं ना, जो छपास की बीमारी है वो थोड़ी लग गई है विपक्ष को। एटा में पुलिस वालों पर हमला कर एक कैदी फरार हो गया। यूपी के एटा में एक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा कैदी पुलिसकर्मियों पर हमला करके फरार हो गया। देहरादून में अवैध तरीके से चल रहे हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 हुक्का बार पर छापा मारा। बिहार के बोधगया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा 2 से 6 जनवरी तक कालचक्र मैदान में टीचिंग समारोह में शामिल होंगे, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से बौद्ध श्रद्धालु बोधगया पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की चमोली में बर्फबारी ने जहां लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं पर्यटकों समेत कई लोग इस बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। यूपी के चित्रकूट में भीषण ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने अनाथ आश्रम जाकर अनाथों को कंबल बांटा। राजस्थान के जोधपुर में एक आदमी का शव तालाब में तैरते मिला, जिसे गोताखोरों की मदद से बाहर निकालने के बाद पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। नागरिकता संशोधन कानून और NRC पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच केंद्र सरकार ने NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को तैयार करने की मंजूरी दे दी। इसमें बड़ा फैसला सरकार ने ये लिया कि लोगों को इस रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए किसी तरह के दस्तावेज नहीं देने होंगे। जिसका मतलब है कि जो लोग बताएंगे वो सरकार मान लेगी, और सरकार के मान लेने से मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में वो दर्ज हो जाएगा। हालांकि इस पर सरकार के फैसले के साथ ये बात भी सामने आई कि पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने NPR का काम रोक दिया है, जिससे फिलहाल केंद्र सरकार इनकार कर रही है। ये सभी राज्यों ने स्वीकार किया है, सभी राज्यों ने इसके नोटिफिकेशन निकाले हैं और सभी राज्यों में इसके कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने सबसे अहम बात ये बताई कि इस रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए लोगों को किसी तरह के दस्तावेज नहीं देने होंगे। इसमें ना प्रूफ है, ना कागज है, ना बायोमेट्रिक है, जो आप कहोगे वही सही है, क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है। NPR पर फैसला ऐसे समय में हुआ है जब देश में नागरिकता कानून और NRC का विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि विरोध में खड़े लोगों में इस तरह का भ्रम है कि सरकार उनसे उनके नागरिक होने के दस्तावेज मांगेगी। NPR से इस भ्रम को हवा मिलने की उम्मीद थी, इसलिए खबरें हैं कि सरकार ने NPR के लिए दस्तावेजों की शर्तें हटा ली। साथ ही एक खास ऐप की मदद से NPR तैयार करने का ऐलान किया। NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का मतलब है देश के नागरिकों का एक रजिस्टर। ऐसा रजिस्टर जिसमें देश के नागरिकों की पहचान का एक डेटाबेस जमा होता है। NPR के लिए नागरिकों की जो परिभाषा तय है उसके मुताबिक जो व्यक्ति 6 महीने या उससे ज़्यादा समय से एक पते और एक जगह पर रह रहा है वो NPR में शामिल हो सकता है। ऐसा NRC में नहीं होता। NRC का मकसद है देश के नागरिकों और घुसपैठियों की पहचान करना। इसका मतलब है NPR और NRC दोनों अलग हैं। देश में पहले भी एक बार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार हो चुका है। 2010 में मनमोहन सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें नाम दर्ज कराने के लिए कुल 15 सवालों के जवाब देने होते हैं। इनमें व्यक्ति का नाम, जन्म की तारीख और स्थायी पते की जानकारी देनी होती है। इसके अलावा 2015 में हुए बदलाव के तहत पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड की भी जानकारी देनी जरूरी है। हालांकि सरकार ने इसमें बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करने से मना कर दिया है। इसका मतलब है कि आधार का डेटा इससे अलग रखा जाएगा।
लेकिन विपक्ष को अब भी सरकार पर शक है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो एनपीआर को एनआरसी की आहट बता दिया। एनआरसी का काम शुरू हो चुका है एनपीआर से। एनपीआर जो अप्रैल आइंदा साल अप्रैल 2020 में शुरू होगी वो एनआरसी का हिस्सा है, इसी तो हम कह रहे हैं कि एनआरपी को रोकना पड़ेगा। कांग्रेस ने भी एनपीआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। एनपीआर सेंसस का एक हिस्सा होता है, लेकिन ये सरकार है, इन्होंने ही एनआरसी की बात की, तो लोगों के मन में अब संशय पैदा हो गया कि एनपीआर का अगला चरण क्या एनआरसी होगा। विपक्ष एनपीआर पर भले ही सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार ने बायोमेट्रिक डेटा और दस्तावेजों की शर्तें हटाकर बड़ा फैसला लिया है। एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के मसले पर देश भर में हुए प्रदर्शन के बाद सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है, और एनपीआर के मसले पर गलतफहमियां ज्यादा ना फैले ये सरकार के रुख से साफ कोशिश दिखाई दे रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एनपीआर पर खड़े हुए विवाद पर सफाई दी। उन्होंने ये दलील भी दी कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। इसका एनआरसी की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है, ये बहुत अलग प्रकार की प्रक्रिया है, क्योंकि सीएए के लिए अब जनता के मन में से भय दूर हो गया है, इसलिए कुछ लोग अब एनपीआर का भय खड़ा करना चाहते हैं। एमपी के सिवनी में सड़क किनारे अवैध तरीके से बनाई गई एक इमारत को धमाका कर गिरा दिया गया। इस इमारत को पहले मशीन से तोड़कर गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन इमारत पूरी तरह से नहीं गिर पाई, जिसके बाद उसको धमाका कर गिराया गया। इमारत को गिराने के समय वहां धमाके की तेज आवाज सुनाई थी, जिसके बाद पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और वहां हर तरफ धूल ही धूल फैल गई। इस कार्रवाई से पहले सड़क को पूरी तरह खाली करवा लिया गया। फूड डिलीवरी ऐप स्विगी के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा लोग खाने में चिकन बिरयानी ऑर्डर करते हैं। स्विगी ने बताया कि इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच पूरे देश में सबसे ज्यादा ऑर्डर चिकन बिरयानी के लिए आए, और हर मिनट 95 लोगों ने खाने के लिए चिकन बिरयानी मंगवाई, जबकि मसाला डोसा दूसरे और पनीर बटर मसाला तीसरे नंबर पर। स्विगी के मुताबिक लगातार तीसरे साल सबसे पसंदीदा खाने की लिस्ट में चिकन बिरयानी ने बाजी मारी है। इस रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया कि गुलाब जामुन भारत की सबसे पसंदीदा मिठाई है। मीठे की लिस्ट में फलूदा दूसरे नंबर पर और मूंग दाल का हलवा तीसरे नंबर पर रहा। देशभर में नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी को लेकर हंगामे, तोड़फोड़, आगजनी के बीच राजस्थान के जोधपुर में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने अपने गली मोहल्ले में सीएए और एनआरसी पर लोगों से फैलाए जा रहे भ्रम पर ध्यान नहीं देने की अपील की। इन मुस्लिम महिलाओं ने लोगों से कहा कि देश के मुस्लिमों का उससे कोई लेना देना नहीं है। इन महिलाओं के हाथ में तख्तियां भी थी, जिस पर लिखा था कि झूठ मत फैलाओ। झगड़ा हो रहे से परेशानी हुई, इस काम को लेकर बहुत परेशानी हुई, कई सरकारी संपत्ति खराब हुई, कई बच्चे पकड़े गए, कई लोगों के पास आटे के पैसे नहीं थे, उनको भी जमानत पर छुड़ाना पड़ा। हमें शांति चाहिए और अमन चैन चाहिए, हमारे देश में अमन चैन रहना चाहिए। भारत हमारा है और इंडिया हमारी है, और हम इस इंडिया में झगड़ा नहीं होने देंगे। कर्नाटक के मंगलुरु में 19 और 20 दिसंबर को हुई हिंसा के पीछे पुलिस ने बड़ी साजिश का शक जताया। पुलिस का दावा है कि हिंसा में इस्तेमाल हुए पेट्रोल बम, पत्थर, टायर और दूसरी चीजें पहले से इकट्ठा करके रखी गई थी, यानी अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन अचानक हिंसक नहीं हुआ। हिंसा हुई क्योंकि हिंसा भड़काने की पूरी तैयारी पहले से की गई थी, जिसके बारे में पुलिस ने भी नहीं सोचा था। 19 दिसंबर को मंगलुरु में जब बड़े पैमाने पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, तो ये सवाल पुलिस के भी जहन में था कि आखिर इतने सारे पत्थर आए कहां से, वो भी रिहायशी इलाकों में। इस सवाल का जवाब पुलिस ने 4 दिन में ढूंढ भी निकाला। पुलिस के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा जिससे ये साफ हो गया कि उस पर पथराव अचानक नहीं हुआ था। इस वीडियो में सामान ढोने वाली एक गाड़ी दिखाई दी, कुछ लड़के भी वहाँ इकट्ठा दिखे। ये गाड़ी जैसे ही इन लड़कों के नजदीक आकर रुकी, उन्होंने उसमें लदी बोरियां नीचे उतारनी शुरू कर दी। इसके बाद इन बोरियों को सड़क पर खाली कर दिया गया। खाली इसलिए कर दिया गया क्योंकि इन बोरियों में पत्थर थे, जो बाद में पुलिस पर फेंके गए। 19 दिसंबर के इस वीडियो में साफ दिखा कि कैसे लोगों के हाथों में हिंसा भड़काने के लिए पत्थर दिए गए और ये पत्थर कैसे लाए गए। पुलिस का दावा है कि उसे ऐसे कई और वीडियो मिले हैं जिनमें कुछ लोग उपद्रवियों तक पत्थर पहुंचाते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मंगलुरु में हुई हिंसा के कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जिनके आधार पर इसके पीछे साजिश के आरोप लग रहे हैं। इनमें एक वीडियो ऐसा है जिसमें कुछ लड़कों को इलाके के सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाते हुए देखा गया, और ये क्यों किया गया होगा ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पुलिस के मुताबिक हिंसा के दौरान उसे निशाना बनाने के साथ कुछ लड़कों को ये काम मिला था कि वो इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचा दें, ताकि बाद में जब पुलिस इन कैमरों को खंगाले
तो उसके हाथ कुछ ठोस नहीं लगे, इसकी पूरी कोशिश भी हुई। हालांकि इस साजिश से कई सीसीटीवी कैमरे बच गए, जिनसे अब पुलिस को हिंसा के तार सुलझाने में मदद मिल रही है। सीसीटीवी कैमरों के अलावा पुलिस ने न्यूज चैनलों से भी कुछ वीडियो हासिल किए हैं। इनमें एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब 19 दिसंबर को मेंगलुरु में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मार्च निकाला जा रहा था, तब कुछ लड़के उस मार्च में मुंह पर कपड़ा बांध कर पहुंचे थे। पुलिस का दावा है कि इन लोगों को ही प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का काम मिला था। ऐसा उन्होंने किया भी। मुंह पर कपड़ा बांधे ये लड़के पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए नजर आए। यही नहीं, उपद्रवियों ने इलाके में आगजनी भी की। इन सभी वीडियो की अब पुलिस जांच कर रही है और उसे ये लगता है कि मेंगलुरु में जिस तरह हिंसा भड़की उसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिस पर कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने भी चिंता जताई। यही नहीं, सरकार में कुछ लोगों ने इस हिंसा के पीछे विपक्ष, खासकर कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया और पूर्व सीएम सिद्धरमैया से इस पर जवाब देने की मांग की। वो कुतंत्र से वो पुलिस लोगों के ऊपर ये धंधा करने के लिए, दंगा करने के लिए ये कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं, ये सभी टीवी में आ जा रहे हैं। इसके बारे में सिद्धरमैया और कुमार स्वामी क्या बोलते हैं उनके पूछो। हालांकि कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार का आरोप है कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन का एक सीसीटीवी वीडियो यूपी के कानपुर से भी सामने आया। 21 दिसंबर को कानपुर के यतीमखाना इलाके में इस कानून के विरोध में जमकर बवाल हुआ था, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है, जिसमें लोगों की भीड़ ताबड़तोड़ पत्थर फेंकती दिखाई दी। वीडियो में कुछ लोग मकानों को निशाना बनाकर पत्थर फेंकते नजर आए। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में भड़की इस हिंसा में शामिल कई लोगों के चेहरे साफ दिखाई दिए, जबकि कई लोगों ने पहचान छिपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। यतीमखाना इलाके में भड़की इस हिंसा का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोगों की भीड़ दौड़ते हुए पत्थरबाजी करती दिखाई दी। इस दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे एक आदमी ने सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को गिरा दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो की मदद से बवाल और आगजनी करने वाले उपद्रवियों की पहचान कर उनके पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें 10 साल के बच्चे से 60 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। इस बीच दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में अलग अलग सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया और जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ छात्र भी इसमें शामिल हुए। हालांकि हिंसा की आशंका को देखते हुए मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लगा दी गई। और धारा 144 लगाने का मतलब है कि चार या चार से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते, यानी कि उस जगह पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। धारा 144 लगाने के साथ मंडी हाउस और आसपास के इलाकों को पुलिस से भर दिया गया। पुलिस की तैयारियों से प्रदर्शनकारियों में भी डर दिखा। मंडी हाउस पर इकट्ठा हुए इन लोगों में कई अपने साथ फूल लेकर आए, ताकि कार्रवाई के दौरान पुलिस को दे सकें। ये गुलाब की पंखुड़ियां भी मैं देख रही हूँ, इसका क्या करने वाले? इसका करने ये वाले क्योंकि पुलिस जो है बहुत ज्यादा डरी हुई है, लाठी चार्ज कर देती है, लोगों को डराने की कोशिश करी जा रही है। तो जितना वो लोग हम पे लाठी चार्ज करेंगे, हम उतना फूल उनके ऊपर बरसाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में इकट्ठा हुए लोगों ने भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले की तस्वीरें लहराई और सरकार को निशाने पर लिया। जो गवर्नमेंट अभी कर रही है एथिकली और मोरली बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इसका एक तरीका होता है और वो मुझे नहीं लगता कि मेरे देश का सही हो रहा है। इस प्रदर्शन में स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव भी शामिल हुए और सरकार पर हमला बोला। ना अनजान को प्रधानमंत्री होने का हक है, ना बेईमान को प्रधानमंत्री होने का हक है। वो सामने आए, कहें कि एनआरसी की योजना नहीं है, हम इस योजना को खारिज करते हैं। मंडी हाउस में धारा 144 लगने के बाद भी सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने जंतर मंतर तक मार्च निकालने की कोशिश की, जिसके बाद इस मार्च की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि हिंसा भड़कने के डर से पुलिस ने मार्च को रोकने की कोशिश नहीं की और प्रदर्शनकारी मंडी हाउस से जंतर मंतर के लिए आगे बढ़ गए। इस मार्च में पुलिस वाले भी उनके साथ चलते हुए नजर आए। CAA और NRC के विरोध में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक का जो प्रोटेस्ट था उसकी तस्वीरें सीधा आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। ये आप देखेंगे कि तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो मार्च करते हुए मंडी हाउस से जंतर मंतर की तरफ फिलहाल बढ़ रहे हैं। इस मार्च के जरिए प्रदर्शनकारियों ने नागरिकता कानून के साथ जामिया में 15 दिसंबर को हुई पुलिस कार्रवाई का भी विरोध किया। जंतर मंतर तक निकाले गए इस मार्च में पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ भी नारे लगाए गए। हालांकि प्रदर्शन के दौरान मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक कोई हिंसा नहीं भड़की। विरोध और हंगामे के बीच गुजरात के सूरत में एक अलग तस्वीर दिखी, जहां बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में मार्च निकाला। इस मार्च में मंत्री गणपत वसावा के साथ बीजेपी के सांसद और विधायक शामिल हुए, जिनकी अगुवाई में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नागरिकता कानून के समर्थन में सूरत की सड़कों पर मार्च निकाला। मार्च में आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा झंडा और तख्तियां ले रखी थी, जिन पर नागरिकता कानून के समर्थन में स्लोगन लिखे थे।
मार्च के दौरान इन लोगों ने नागरिकता कानून का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए। मार्च के बाद ये लोग एक इलाके में पहुंचे जहां पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए पहले से ही बैरिकेड लगा रखे थे, जिसकी वजह से बीजेपी कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए इन लोगों ने वहीं पर नारेबाजी और तेज कर दी। गुजरात सहित देश भर में विरोध हो रहा था, वैसे में सूरत की रैली समर्थन में निकली और लोग बड़ी मात्रा में इस रैली में जुड़े हुए। मार्च में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में कई फीट लंबा तिरंगा